हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एयर केमिस्ट्री क्लासेस में। और आज हम लोग जानेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को किस तरीके से इजीली पढ़ा जा सकता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे इजीली हम लोग सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे पहले कि इस वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ, आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि मैंने इससे मतलब 1 मंथ पहले ही आप लोगों को एक वीडियो दिया है जिसमें मैंने बताया है हाउ टू कंप्लीट होल केमिस्ट्री इन 1 मंथ यानी कि 30 डेज में। ठीक है, तो वो वीडियो आप लोगों ने देखा है या नहीं देखा है अभी तक, उसके बारे में बताएं कि आपने देखा है तो लिखे यस, नहीं देखा है तो नो, और नो लिखने के बाद जाके उसे देखिए, आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। मैंने उसमें आपको बताया है कि पूरे सिलेबस जो आपका 30% रिड्यूस होने के बाद जो सिलेबस रह गया है उसे आप कैसे 1 महीने में यानी 30 दिन में ही कंप्लीट कर सकते हैं, और मैक्सिमम टाइम भी आपको उसमें मैंने दिया है। आपको आप उस वीडियो को देखेंगे तो समझ में आ जाएगी बात। तो उस वीडियो की चर्चा यहाँ पे इसलिए कर रही हूँ मैं क्योंकि यहाँ पे अब आपको बताऊंगी कि आपने अगर होल केमिस्ट्री कंप्लीट कर लिया, मान लिया कि 1 महीने में आपने पूरी केमिस्ट्री की पढ़ाई पूरी कर ली, तो अगर अब रिविजन के तौर पर आप चाहते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने जो भी पढ़ा है वो 2 से 3 दिन में रिविजन हो जाए, तो वो आप कैसे करेंगे, किस तरह से, कौन सा टिप्स ट्रिक्स काम आएगा आपके, वो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत आसानी से आपके समझ में आ जाएगी सारी बातें। तो सबसे पहले तो करना है आपको ये कि वीडियो को पूरा वॉच करना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए विथ बेल आइकन, ताकि आपको जब कभी मैं ऐसा वीडियोस डालूंगी तो नोटिफिकेशन समय से आपके पास पहुंचेगा और आप उसे देख सकेंगे। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा वीडियो ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। तो चलिए स्टार्ट करेंगे अपना वीडियो कि हाउ टू कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन 2-3 डेज। ओके, क्लास 12 की बात हो रही है यहाँ पे। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले जैसा मेरा पुराना फंडा है कि कोई भी सब्जेक्ट का आप कंप्लीट करने की बात करते हैं कि मुझे कंप्लीट करना है पूरा 2-3 डेज में करें, आप फिजिक्स पढ़ें, केमिस्ट्री पढ़ें, मैथ पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, तो उसके लिए सबसे पहला, ये मेरा अपना स्टाइल है कि सबसे पहले आपके पास सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए कि आपको पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आप सिलेबस मेंशन करें कि आपको जो पढ़ना है, सिर्फ केमिस्ट्री की बात नहीं हो रही है, किसी भी सब्जेक्ट में आप इसे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आपके लिए क्लास 12 के लिए केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जो सिलेबस रह गया है, पॉलीमर को बिल्कुल हटा दिया गया है, पॉलीमर नहीं पढ़ना है आपको इस सेशन के लिए। तो देखिए आपको यूनिट 10 से स्टार्ट हुआ, हेलो अल्केन्स और हलोरेन्स, यूनिट 11 है आपका एल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर, 12 है एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, 13 है अमीन्स एंड बायो मॉलिक्यूल्स। तो इससे जो ये देखिए बायो मॉलिक्यूल्स से एकदम फिक्स क्वेश्चन आता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने कर लिया, आपका काम हो गया, आपको ज्यादा उसमें मेहनत ही नहीं करनी है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए। ओके, बोर्ड एग्जाम की बात हो रही है, बोर्ड एग्जाम में जो आपको प्रिपरेशन करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ओवरऑल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 28 मार्क्स का क्वेश्चन आना है, 28 मार्क्स आएगा आपको। ओके, टोटल मार्क्स आपका है 70 में से 28 मार्क्स आपको कौन दिलाएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दिलाएगा। इसलिए जरूरी है कि आप इसे बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, और बहुत इजी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, अगर तरीके से आप पढ़ेंगे ना बच्चों तो बहुत बहुत इजी होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ना। ठीक है, तो यहाँ पे जो सिलेबस दिया है मैंने, तो एक बात और बता दूंगा आपको, यूनिट 10 जो हलो अल्केन्स और हलो अरेन्स है उसका फुल चैप्टर रिवीजन मैंने आपको करवाया है अपने चैनल पे, लिंक उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा, जरूर से देखें। आपका 40 मिनट की वीडियो है तो उसे आप पूरा देखेंगे और आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हर एक तरीके से, कहीं कोई परेशानी आपको नहीं रह जाएगी उसको पढ़ने के बाद। ठीक है, उसी तरह से मैं एल्डिहाइड अल्कोहल फिनॉल्स ईथर्स एल्डिहाइड कीटोन्स का वीडियो डालूंगी, लेकिन अभी मैंने डाला है नहीं अभी। ठीक है, तो डालूंगी बाद में। ओके, चलिए तो आप देखते हैं कि आखिर इसे कंप्लीट करना कैसे, क्या क्या स्ट्रेटजी आप बना सकते हैं अपने लिए। तो सबसे पहले देखिए, तो यहाँ देखिए सबसे पहले सिलेबस आपने कर लिया, अब आपको बता रही हूँ कि सबसे पहला काम क्या करना है आपको, फर्स्ट नंबर पे आयुपेक नेम आपको लिखना आना ही चाहिए। आप कभी भी आप अपना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का देखें, जिस किसी भी चैप्टर को आप पढ़ते हैं, हेलो अल्केन्स है, हेलो अरेन्स है, एल्कोहल फिनॉल ईथर्स कार्बोक्सिलिक एसिड, एनी वन किसी भी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आपको वहां पे उसका नॉमिनिक्लेचर से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, नॉमिनिक्लेचर का क्वेश्चन डायरेक्ट भी आता है, वो हो गया आपका।
दूसरी बात कि अगर आप किसी भी तरह का रिएक्शन बनाते हैं, किसी भी तरह का कन्वर्सेशन बनाते हैं, कन्वर्सेशन नहीं कन्वर्सन्स बनाते हैं, ठीक है, तो कन्वर्सन्स बनाएंगे तो क्या होगा, वहां पे भी आपको नाम लिखना आना चाहिए, नेसेसरी है। इसलिए सबसे पहला काम है आपको आयुपेक नेमिंग लिखना आना चाहिए। ये आप क्लास इलेवेंथ में ही पढ़ चुके होते हैं, अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो आपको इसे करना है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करने के लिए मेरे चैनल पे भी आपको ढेर सारी वीडियोस मिलेंगी जिससे आप आयुपेक नेमिंग सीख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। बच्चों अगर आपको कहीं भी कुछ भी परेशानी है, पूरा बेसिक से मैंने बताया है, आप उसे देखेंगे तो आप खुद समझ जाओगे कि आपके लिए कितना यूजफुल है वो, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे आप कर सकते हैं क्या, नेम रिएक्शन पढ़िए, एकदम नेसेसरी। नेम जो मतलब ऐसे चीज को पकड़िए जो एकदम से आता ही है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है अभी तक, तो नेम रिएक्शन है आपका। तो नेम रिएक्शन आपको देखना है, जो इम्पोर्टेंट जैसे जो चैप्टर्स आपको पढ़ना है ना बचा हुआ, यहाँ पे यही तीन ही चैप्टर से नेम रिएक्शन आएगा, बायोमोलिक्यूल से नेम रिएक्शन नहीं आएगा। आपका नेम रिएक्शन आपका आएगा इसी से, यूनिट 10, 11 एंड 12 से। तो इन तीनों के अंदर जो भी आपके पास नेम रिएक्शंस है, ठीक है, कुछ क्वेश्चन अमीन से भी आने का चांसेस होता है वैसा, तो क्या है कि ये सारे चैप्टर्स में जो नेम रिएक्शन है उसको पढ़ना है। उसमें भी अगर आपको थोड़ा सा और कम करने की इच्छा है तो वैसे नेम रिएक्शंस को पढ़ लें जो पिछले 5 साल तक लगातार पूछे जा रहे हैं इन चैप्टर्स से रिलेटेड। बात को ध्यान से समझिएगा, इन चैप्टर यानी ये जो आपके सामने है, लो अल्केन्स है, एल्कोहल्स वाला है, एल्डिहाइड वाला है, इन चैप्टर से जो नेम रिएक्शन अक्सर पूछा जा रहा है उसका प्रैक्टिस कर लीजिए। मैंने आपको दिया हुआ है बच्चों, आप लोगों ने मिस किया होगा, अगर नहीं देखा है तो आप देखें उसे। मैंने आपको ये एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड आपको दे रखा है नेम रिएक्शन, जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके एग्जामिनेशन में आने के पूरे पूरे चांस है, वो मैंने दिया हुआ है, आप उसे देखें जरूर, ठीक है। तो नेम रिएक्शन आप पढ़ेंगे सेकंड नंबर पे। दूसरा आप वही कन्वर्सन करें, कन्वर्सन्स पढ़ें, जो कन्वर्सन हाउ टू कन्वर्ट होता है आपको बनाना, या कन्वर्सन जब आप पढ़ रहे हैं तो उसे थोड़ा बारीकी से पढ़ें। उससे क्या होगा कि कभी कभी आप देखते हैं क्वेश्चंस आता है कि मान लिया यहाँ पे ए है, ए के ऊपर रिएजेंट लिख दिया गया, मान लिया कि यहाँ पे Cl2 है और यहाँ पे कुछ बी है, और बी तो इसमें मान लिया बी को दे देगा कि मान लिया CHCl3 है, तो यहाँ पे ए क्या है बताइए, ए क्या है यहाँ पे, वो बताने के लिए आता है ना, ABC फाइंड आउट करना रहता है, तो उसमें भी आपको काम करेगा नेम रिएक्शन, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है वहां पे भी यूज हो जाता है। और कन्वर्सन ये बहुत काम करता है ABC को फाइंड आउट करने में, बात आ रही समझ में आपके। तो ये तीन चीज बहुत नेसेसरी है, बहुत बहुत नेसेसरी है, बिल्कुल आप इसे मिस नहीं कर सकते हैं। फोर्थ नंबर पे आप कर सकते हैं, मान लिया जो आप पढ़ रहे हैं उसमें डिस्टिंग्विश भी पढ़ना चाहिए आपको कि कैसे आप उसमें अंतर करेंगे, तो वो चीज भी आप ध्यान में रखेंगे। जैसे अल्कोहल में ही है तो क्या है आपका कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल होता है, तो कैसे उसमें डिस्टिंग्विश करेंगे वो भी आपको आना चाहिए। एल्डिहाइड है, अल्कोहल और फिनॉल में कैसे डिफरेंस करेंगे, एथर और अल्कोहल में आप कैसे डिफरेंस करेंगे, वो सारे टेस्ट के बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए, तो वैसा क्वेश्चन अराइज होने का भी चांसेस होता है। 2 से 3 मार्क्स में डिस्टिंग्विश वाले क्वेश्चन आते हैं, 5 मार्क्स का नहीं आता है, 2 से 3 मार्क्स वाले में ही आता है, ठीक है। उसके बाद देखिए कि आप क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट नंबर आप मैकेनिज्म पे ध्यान दें। जैसे आज ही मैकेनिज्म वाला जो है, जैसे मैकेनिज्म से रिलेटेड क्वेश्चंस आएगा, किस तरीके का रिएक्शन है, मतलब आपका मैकेनिज्म इसलिए पढ़ना है क्योंकि नेम रिएक्शन जब आप बनाएंगे तो नेम रिएक्शन में जो आप रिएक्शंस डालेंगे ना वो मैकेनिज्म के थ्रू ही जाएगा। मैकेनिज्म मतलब किसमें इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है, तो उसमें कौन सा कैसे मैकेनिज्म काम करता है उसके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए, बात आ रही समझ में। मैकेनिज्म जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पढ़ते हैं तो वहीं पे आपको बहुत सारा टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ाया जाता है, आइसोमेरिज्म भी उस टाइम में आप पढ़ लेते हैं, फिर आपको हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस वगैरह सब कुछ इसके अंदर आ जाता है मैकेनिज्म के अंदर, इसलिए उसका नॉलेज होना चाहिए ताकि आप बहुत सारे
वैसे क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन वाले जो क्वेश्चंस आते हैं ना, एक्सप्लेनेशन के क्वेश्चंस आते हैं, तो वो आप सॉल्व कर सकते हैं थ्रू मैकेनिज्म, ओके, मैकेनिज्म के थ्रू। तो वैसे क्वेश्चंस मैं अक्सर अपने चैनल पर डालती हूँ, ताकि आपको उस समय भी मैं आपको बताती हूँ कि ये चीज़ मैंने आपको कहा है। तो जो रेगुलर वीडियोज़ देखते हैं, जो रेगुलर वीडियो को वॉच करते हैं, वो समझते हैं कि किस स्टाइल में मैं पढ़ाती हूँ, किस तरीके से पढ़ाती हूँ। तो ध्यान से समझेंगे आप, जैसे मैकेनिज्म की बात है, तो जैसे मैंने एक वीडियो दिया है अभी अभी कि वहां पे बताया है आपको कि फिनॉल का मैकेनिज्म रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताया है। उसी दौरान मैंने आपको बताया है कि इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को पढ़ने का क्या फायदा है, इससे किस तरीके का क्वेश्चन क्लास 12 में अराइज हो सकता है। तो रेगुलर देखें, समझें, तभी आप किसी भी चीज में बेस मजबूत कर सकते हैं। खैर, तो यहां हो गया मैकेनिज्म का बात। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि आप क्या कर सकते हैं। अब देखिए, कुछ आप प्रैक्टिस करें रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन, यानी जो रीजन और असर्शन वाले क्वेश्चन आते हैं, है ना, तो वो चीज आप देख सकते हैं। मतलब जो प्रीवियस ईयर के पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, उसमें से एक दो देख लीजिए, आपको आ जाता है क्वेश्चन को पढ़ने को। आजकल ये इस साल जो सैंपल पेपर आए हैं आपका, उसमें दिखाया गया है कि क्या होगा, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन भी होगा, केमिस्ट्री में भी कॉम्प्रिहेंशन दिया रहेगा, उसको पढ़ना होगा, और आपके पास ABCD क्वेश्चंस होंगे जिसको आपको करना होगा। तो वो भी आपको प्रैक्टिस में रखना है, प्रैक्टिस आपको करना है। तो जब आप इतना काम कर लेंगे, ये सारा काम आपको करने में 2 दिन लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। जैसे IUPAC नेम, मोस्टली बच्चे जो 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, उनको आता ही होगा IUPAC नेम लिखना, क्योंकि 11th में उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। नेम रिएक्शन, तो नेम रिएक्शन के लिए बहुत ज्यादा चैप्टर्स ही नहीं है आपके पास, 10 से ज्यादा नेम रिएक्शन हो ही नहीं सकता है, जिसमें से 5 और 6 आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, वो आपको पढ़ने में कितना वक्त लगेगा, बहुत कम वक्त लगेगा। कन्वर्शन है, कन्वर्शन का भी वीडियो है मेरे चैनल पे, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो बहुत बार पूछा जा चुका है, वो मैंने दिया है आपको, उसको आप प्रैक्टिस कर लें, काम हो जाएगा आपका। डिस्टिंग्विश की बात आती है, तो इसमें भी जो है चैप्टर्स उसी में से ना पूछेगा, ऐसा तो नहीं हुआ कहीं और से लाके दे देगा, तो ये ध्यान रखना है आपको। डिस्टिंग्विश में क्या है, एमिन्स से भी आ सकता है, कि एमिन्स में भी वैरायटी है, प्राइमरी एमिन्स, सेकेंडरी, टर्शियरी, ऐसे करके, है ना, तो इसलिए इसका भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारा चीज आप कंप्लीट जब 2 डेज में कर लेंगे, तो आप यहाँ देखिए, मैंने बहुत अच्छे से सजा के लिखा था 2 से 3 डेज, है ना, 2 से 3 डेज में आपको करना है। तो 2 डेज में आप क्या करो, इतना रिवीजन कर लो, और तीसरे दिन 3 डेज पे आप क्या करो, तीसरे दिन इन सब का एक बारी प्रैक्टिस करो। लिखना जरूरी है, रिटन वर्क होना ही चाहिए, आपको लिखना पड़ेगा। बिना लिखे अगर आप ये सोच लेते हैं कि आपने तैयारी पूरी कर ली है, तो हो ही नहीं सकता है, रट के नहीं होगा। आपको इसको पढ़ लेना है, उसके बाद आपको करना क्या है, रिटन आप 1 से 2 बारी जरूर लिखें। प्रैक्टिस आपके हाथ में ऐसा हो जाता है कि समटाइम आप नहीं लिखेंगे, आपका हाथ ही लिखना शुरू कर देगा, ऐसा लिखने से ऐसा प्रैक्टिस आ जाता है, ठीक है। तो लिखना बहुत जरूरी है, लिखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए, उसमें जो इम्पोर्टेंट लगता है उसको देख के बनाइए, यानी 7 नंबर पे आप कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस, ठीक है। तो ये था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ईजिली 2 से 3 दिन में आपका कंप्लीट करने का तरीका, ठीक है। तो आई होप कि आपके बात मेरी बात आप समझ चुके हैं कि कैसे करना, ये वही बच्चा करेगा 2 से 3 डेज में। आपको ये कोई भी अगर कहता है कि 0 से आप स्टार्ट करके 2 दिन में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं, तो बिल्कुल हो नहीं सकता है, क्योंकि आप 0 से स्टार्ट का मतलब है कि कुछ भी नहीं आता है, और आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 दिन में कंप्लीट, ये नहीं होगा। आपको आता है कुछ कुछ, तब आप क्या कर सकते हैं, 2 से 3 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने पढ़ रखा है, अब आप रिवीजन कर रहे हैं, तो 2 से 3 डेज में रिवीजन का ये स्टाइल हो सकता है। कई बात समझ आ रही है, रिवीजन का स्टाइल है ये। तो चलिए आप लोग करिए रिवीजन, मिलूंगी मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में दूसरे केमिस्ट्री के साथ। अगर अच्छा लगा हो, आपके काम का हो वीडियो, तो लाइक दीजिए और दोस्तों को भी शेयर कर लीजिए। ओके, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।